दोस्तों यह है ओला S1 Pro और इसमें MoveOS 3.0 का अपडेट आ चुका है और मैंने ये जो अपडेट है ये कर दिया है। चलिए इसे चेक करते हैं क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ख़ास करके जिसके बारे में हमने पहले सुना था वो चीज़ भी इसमें ऐड कर दिया है। चलिए चेक करते हैं, देखते रहिए। तो यहाँ पर एक जो ओला इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन है इसे मैंने स्कूटर के साथ में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू अप्रॉक्सीमेटली अपडेट आया हुआ है। इसे मुझे रिकैलिब्रेट करना है, उसके लिए मुझे ये जो प्रोसेस है इसे फॉलो करना है। बिगिन कैलिब्रेशन लीजिए इस प्रकार से और फिर मुझे इसे क्लिक करना है। अब स्कूटर के राइट साइड पे जाना है और इसे कैलिब्रेट करना है। ये जो प्रोसेस है आपको एक बार करना है, रियर साइड पर जाके कैलिब्रेट 2 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, प्लस यहाँ पर जाके ये लास्ट कैलिब्रेशन एंगल है, चारों तरफ से आपका जो मूवमेंट है उसे कैलिब्रेट करता है, तो आप कहीं से भी आ सकते हैं। अब ये देखिए कैलिब्रेशन हो चुका है। अब मैं प्रॉक्सिमिटी अनलॉक कर सकता हूँ और जो प्रॉक्सिमिटी लॉक है उसे भी मैंने एनेबल कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली ये जो स्कूटर है, जब कभी मैं इस स्मार्टफोन को इसके पास लेके आऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा या फिर लॉक हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैं स्कूटर के पास से दूर चले जाता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। अब ये लॉक हो गया है, मुझे नोटिफिकेशन भी इस ऐप पर मिल गया है। अब मैं स्कूटर के पास जाता हूँ और जैसे ही मैं नज़दीक पहुँचूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। अब ये बीटा स्टेज पर है ये जो फीचर है, तो हो सकता है कि कभी कभार ये काम ना करे, लेकिन ज़्यादा करके सिचुएशंस में ये काम कर देगा। ये देखिए इसने अपने आप को अनलॉक कर दिया है और मैं जैसे ही इससे दूर चले जाऊं तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली लॉक कर लेगा। अब मैं इसके पास जाता हूं, फिर से ट्राई करते हैं कि ये जो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है ये काम करता है या नहीं। आपको तकरीबन इतना नज़दीक आना है, ये देखिए ये अनलॉक हो चुका है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर इसमें अब ये ऐड हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो न्यू फीचर्स है वो क्या है। जैसे स्मार्ट वॉचेस पर वॉच फेसेस होता है और स्मार्ट फोन्स पर वॉलपेपर्स होता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है मूड्स। तो यहाँ पर 3 मूड्स हैं, एक्लिप्स, विंटेज और बोल्ट। सबसे पहले बोल्ट ट्राई करते हैं, अप्लाई करता हूँ। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि एक तो ये थीम जो है ये ऐड हो गया है यहाँ पर डैशबोर्ड पर, प्लस ये देखिए इस प्रकार का जो साउंड है ये भी ऐड हो गया है। मैं इसे थोड़ा सा चलाता हूँ, ये देखिए ऐसा साउंड करता है। और अब मैं जो डिस्प्ले सेटिंग है इसे चेंज करता हूँ, मूड्स को चेंज करता हूँ, एक्लिप्स। इसका जो साउंड इफेक्ट है मुझे काफ़ी पसंद आया, ऐसा लगता है जैसे कि कोई फ्यूचरिस्टिक व्हीकल है। ये देखिए ये देखिए और अब मैं फिर से डिस्प्ले को चेंज करता हूँ और जो लास्ट मूड है विंटेज इसे ट्राई करते हैं। ये भी पुराने टाइप के जो स्कूटर्स होते थे उसका इफेक्ट आपको मिलने वाला है, खास करके यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है देखिए उसी प्रकार का है। और जो साउंड इफेक्ट्स है ये भी जो पुराने टाइप के स्कूटर्स हैं उनकी तरह है। तो अब मैं इसे चलाने वाला हूँ, आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये जितने भी सेटिंग्स हैं उनका जो साउंड आउटपुट है इसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने इसे थोड़ा कर दिया है, मैं फिलहाल इतना रखता हूँ। एक्लिप्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगा तो मैं ये साउंड सिस्टम यहाँ पे रखता हूँ और जो साउंड है इसे मैं कम कर देता हूँ, काफ़ी लाउड है मूड का साउंड, इतना ठीक है। ये काफ़ी अच्छा साउंड मुझे लगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर इसमें ऐड किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ऑल सेटिंग्स में जाएं, ये देखिए MoveOS 3.0 रन कर रहा है,
और यहाँ पर आप आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये पासपोर्ट और वैकेशन मोड दिया हुआ है, अगर आप वैकेशन पे जाते हैं तो इसे आप ऑन कर दीजिए ताकि जो बैटरी है स्कूटर की ये कम यूज़ होगी। राइडिंग मोड में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। ये बेसिकली रीजन है, जो कि एक रीजनरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि बैटरी को एक तरह से चार्ज करता है और आपको तकरीबन 5% का एडवांटेज मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक्चुअली ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसे आगे चलाऊँ, ये देखिए, और मैं एक्सीलरेशन को छोड़ दूँ तो ये धीरे धीरे रुक जाता है। देखिए, ये अपने आप ही रुक जाता है और इस प्रकार से ये बैटरी को भी चार्ज करता है इस दौरान। एक और इंटरेस्टिंग फीचर ऐड किया हुआ है, राइडिंग असिस्टेंट हिल होल्ड असिस्ट। खास करके अगर आप हिल्स में होंगे तो जो ईवी है ये पीछे जाता है, तो यहाँ पर वैसा नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने वाला है और एक तरह से अपने आप को लॉक कर देगा। जो व्हीकल है ये पीछे नहीं जाने वाला है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि इसमें ऐड किया हुआ है। और आप ऑफ कोर्स आपका जो स्मार्टफोन है उसमें जो मीडिया है उसे प्ले कर सकते हैं इस पर। और ये देखिए, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो बैटरी है वो आपको कितना किलोमीटर्स दे सकती है, एको में, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर। और अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसे स्पोर्ट्स को रख लिया है, अब ये हाइपर पे आ गया है। हाइपर पे जो स्पीड है काफ़ी फास्ट होती है और पिकअप भी काफ़ी फास्ट होता है। और खास करके जो साउंड है इसके साथ में काफ़ी मज़ा आता है। जो रीजन सिस्टम है इसमें आपको ब्रेक लगाने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। और जैसा कि मैंने कहा, आपको 5% का एडवांटेज भी मिल जाता है, मतलब कि एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाएगी। तो जो मूव ओएस 3.0 है, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो है मूड्स, जिसमें जो डैशबोर्ड है वो, उसका जो लुक एंड फील है वो चेंज होता है, प्लस जो साउंड इफेक्ट्स है, आपको जो राइडिंग एक्सपीरियंस है उसे एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है, क्योंकि ज़्यादा करके जो ईवीज़ मार्केट में अवेलेबल है उनमें साउंड नहीं आता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि इस अपडेट के साथ में ऐड किया हुआ है। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमिटी लॉक एंड अनलॉक फीचर है ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन फिलहाल ये जो फीचर है ये 100% परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। वैसे ज़्यादा करके सिचुएशंस में ये सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अगर मैंने, मान लीजिए, जो फ़ोन है इसे काफ़ी देर तक पॉकेट में रखा हुआ है और उसे यूज़ नहीं करता हूँ, स्कूटर के पास जाता हूँ, तब ये अनलॉक नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन को बाहर निकालता हूँ और फ़ोन को अनलॉक नहीं करता हूँ, बस सिर्फ जो पावर बटन है उसे एक बार प्रेस करता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद ये जो सिस्टम है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये एक्टिवेट हो जाता है और जो स्कूटर है ये अनलॉक हो जाता है। अब हो सकता है कि अलग अलग स्मार्टफोन्स के साथ में ये जो फीचर है अलग अलग तरीके से बिहेव करे, फिलहाल ये बीटा स्टेज में है, आगे चल के इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये ओला का जो स्कूटर है इसे आप हाइपर चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि 15 मिनट्स का चार्ज आपको तकरीबन 50 किलोमीटर्स का एवरेज दे सकता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये जो हाइपर चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ये स्पेसिफिक जगह पर अवेलेबल है, मतलब कि आपको जो ओला इलेक्ट्रिक का ऐप है वहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये जो चार्जिंग स्टेशन है, हाइपर चार्जिंग स्टेशन, ये अवेलेबल है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, जो हाइपर चार्जिंग स्टेशन है वो काफ़ी दूर है, इसलिए मैं वहाँ पर जा नहीं पाया, लेकिन मैंने ओला का इवेंट अटेंड किया था, वहाँ पर ये सिस्टम था, तो वहाँ पर मैंने इसे चेक किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, बीच बीच में आपको हाइपर चार्जिंग के स्टेशन मिल जाएंगे, आगे चल के और भी स्टेशन ऐड होने वाले हैं, तो बस आपको 15 मिनट्स के आसपास वहाँ पर स्पेंड करना है और आपको 50 किलोमीटर्स का रेंज मिल जाएगा। पार्टी मोड अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, आपका जो स्कूटर है ये एक तरह से एंटरटेनमेंट सिस्टम बन जाता है, स्पीकर बन जाता है। कॉलिंग फीचर भी इसमें ऐड किया हुआ है, अगर आपने उसे इनेबल किया हुआ है और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं आपको कॉल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चाहें तो जो कॉल है उसे पिक कर सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप स्कूटर को पार्क कीजिए और फिर कॉल को अटेंड कीजिए। और जो ऑडियो है आपको स्कूटर का जो स्पीकर है उसके ज़रिए सुनाई देने वाला है। प्रोफाइल फीचर्स भी आ चुका है जहाँ पर आप प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो स्कूटर है कोई दूसरा व्यक्ति भी शेयर कर सकता है, तो उसका जो सेटिंग होगा वो अलग होगा, आपका सेटिंग अलग होगा। तो इस स्कूटर में सबसे बेस्ट फीचर आपको कौन सा लगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए।